हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। सो डेली की तरह आज फिर से नाइट डोज ऑफ करंट अफेयर में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। बट उससे पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके और उनका भी जो ये रिविजन का सिक्वेंस चल रहा है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके और वो भी रिविजन कर सके, ठीक है। एंड क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास की लिंक, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू सेशन, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है, आरईसी लॉन्च्ड विच मोबाइल ऐप फॉर 54 ईसी बॉन्ड्स इन्वेस्टर। आपको बताना है कि आरईसी ने 54 ईसी बॉन्ड निवेशकों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। SUBAM REC, यानी कि शुभम REC, सत्या REC, सागर REC, सुगम REC या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपके लिए बोनस क्वेश्चन है, REC को कोई प्राइज भी मिला है ना, कोई अवार्ड भी मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है ये आपको कॉमेंट्स करके बताना है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ओके, वेरी वेल डन, सुगम REC इज द राइट आंसर, है ना। REC को अभी रिसेंटली किसमें इनको कोई अवार्ड दिया गया है, वो कौन सा अवार्ड मिला है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट्स याक चुरपी हैज रिसीव्ड द GI टैग। आपको बताना है कौन सी स्टेट के याक चुरपी को GI टैग मिला है। जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बता दीजिए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। एक क्वेश्चन, एक GI टैग है जिसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, भाई आपसे पूछना है। ओके, वेरी वेल डन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। बाकी GI टैग से रिलेटेड कुछ रिसेंट न्यूज की हम लोग बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के भद्रवाह राजमा, जिसको हम रेड किडनी बीन्स बोलते हैं, और रामबन सुलाई हनी, इसको GI टैग मिला है। वही असम के मैजिक राइस, जिसको हम चौकुआ राइस भी बोलते हैं, इसको भी GI टैग मिला है। इसी में कंफ्यूजन होता है, एक तो हो गया मैजिक राइस जिसको हम चौकवा राइस बोलते हैं, ये असम से बिलोंग करता है, जिसको GI टैग मिला है। एक है ब्लैक राइस, आपको बताना है कौन सी स्टेट के ब्लैक राइस को GI टैग मिला है और कौन सी स्टेट के लाल चावल यानी कि रेड राइस को GI टैग मिला है ना, इसको लाल चावल हिंदी में बोलते हैं। कौन सी स्टेट के लाल चावल यानी कि रेड राइस को GI टैग मिला है और कौन सी स्टेट के ब्लैक राइस को GI टैग मिला है, ठीक है। एंड बाकी एक और आपके लिए बोनस क्वेश्चन है, कौन से स्टेट के बेरी नाग टी को GI टैग मिला है, ठीक है। जहां का ये बेरी नाग टी है वहीं पर आपका लाल चावल भी है ना। हिंट मैंने आपको दे दिया, अब आप लोग इसका आंसर बताइए। ये मणिपुर है, ये उत्तराखंड है और ये भी उत्तराखंड है, ठीक है। नहीं तो आप बोलेंगे मैम ने आंसर ही नहीं बताया, कंफ्यूजन था उसको मैम ने कंफ्यूजन ही रहने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2023। याद होगा आप लोगों को मैंने बताया था, अगर आप लोग अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो कभी किसी से मोहब्बत मत करिएगा, है ना। ये हिंट मैंने आपको दिया था, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। दलाई लामा, नरगिस मोहम्मदी, सुनीता कृष्णन, अरुंधति रॉय, नन ऑफ दीज। मोहब्बत से थोड़ा तो रिलेट आपने कर ही लिया होगा। वेरी वेल डन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नरगिस मोहम्मदी। सो नरगिस मोहम्मदी जी को नोबेल पीस प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। बाकी अगर लिस्ट की भी बात कर लेते हैं, मेडिसिन की फील्ड की अगर हम बात करें तो दो लोगों को मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, नाम क्या है, कैथलिन कैरिको, एंड्रू विस्मेन। फिजिक्स की बात करें तो पेरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रोज एंड एनी एल ह्यूलियर, इनको जी सॉरी नॉट GI टैग, इनको नोबेल प्राइज मिला है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, इनको हम बताइए मैंने GI टैग दिलवा दिया, सॉरी सॉरी, इनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मोंगी जी बाविंडी, लुइस इब्रस एंड एलेक्सी आई इकीमो, इनको जी क्यों GI टैग आ रहा है, इनको नोबेल प्राइज मिला है। लिटरेचर के फील्ड में जॉन पोस को नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, नरगिस मोहम्मदी जी को। एंड इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज क्लॉडिया गोल्डिन को मिला है, ठीक है। तो ये सभी नोबेल प्राइज विनर हैं 2023 के। इसका अलग से भी मैंने एक सेशन कराया है जिसमें शॉर्ट ट्रिक के साथ मैंने याद कराया है, तो वो वाला सेशन आप लोग देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 11th एडिशन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति इज बीइंग हेल्ड बिटवीन द आर्मीज ऑफ विच कंट्रीज। आपको बताना है कि जो ये संप्रीति एक्सरसाइज का 11th एडिशन है जो कंडक्ट कराया गया, ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। इंडिया श्रीलंका, इंडिया म्यांमार, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा। द 11th एडिशन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति इज बीइंग हेल्ड बिटवीन द आर्मीज ऑफ द विच कंट्रीज।
ओके वेरी गुड। इंडिया बांग्लादेश इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया बांग्लादेश। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कुछ एक्सरसाइज है जिसको रिवाइज कर लेते हैं। लाइक अगर हम बात करें मित्र शक्ति एक्सरसाइज की, अगर मित्र शक्ति एक्सरसाइज की बात करें तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट कराया जाता है। इस बार 9th एडिशन था, पुणे में इसको कंडक्ट कराया गया। एक्सरसाइज काजिंद की बात करें तो ये इंडिया और कजाकिस्तान में होता है। इस बार 7th एडिशन था, कजाकिस्तान में कंडक्ट कराया गया। सागर कवच की अगर हम बात करें तो इसको इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कंडक्ट कराया गया। एंड कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज, इसमें इंडियन आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता है। चक्रवात एक्सरसाइज की बात करें तो गोवा ने ये गोवा में कंडक्ट कराया गया था। वज्र प्रहार ये इंडिया और यूएस के बीच में होता है, उमरॉय मेघालय में इसको कंडक्ट कराया गया था। ऑस्ट्री हिंदी की अगर हम बात करें तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कंडक्ट कराया जाता है, इसको पर्थ ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट कराया गया था। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज होती है ऑसिंडिक्स, है ना, ये जो ऑसिंडिक्स है ये भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइन सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल के लिए इंडिया और कौन सी कंट्री ने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट को साइन किया? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, रसिया, मालदीव्स, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड, अर्जेंटीना इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अर्जेंटीना। नेक्स्ट वन इज हु लॉन्च्ड नेवीज अपडेटेड इंडिजिनस प्रोग्राम स्वावलंबन 2.0। नौसेना के अद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम स्वावलंबन 2.0 का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके वेरी वेल डन, राजनाथ सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना फ्रॉम द रिज शिमला टू सपोर्ट ऑर्फेंस। अनाथों का समर्थन करने के लिए रिज शिमला से मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना किसने शुरू किया? भूपेश बघेल, सुखविंदर सिंह सुखू, मनोहर लाल खट्टर, भगवंत मान, नन ऑफ दीज। ओके वेरी गुड, सुखविंदर सिंह सुखू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द जुडिशियल सर्विस एंड स्टेट रन लॉ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। आपको बताना है किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? त्रिपुरा, झारखंड, असम, बिहार, मेघालय। इसका आंसर क्या होगा? ओके वेरी वेल डन, बिहार इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिहार। नेक्स्ट वन इज विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस को इम्प्रूव करने के लिए इनमें से कौन से बैंक ने मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस को लॉन्च किया? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। आंसर क्या होगा? वेरी गुड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। बाकी फिर वही आपसे पूछ सकते हैं, नेशन का पहला ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया, है ना, आंसर आपको पता है वही होगा अगेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नंबरलेस कार्ड किसने लॉन्च किया? नंबरलेस कार्ड की अगर हम बात करें तो इसको एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए बार बार हम इसको रिवाइज करते हैं। विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया पेसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। किस देश को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया? चाइना, रसिया, इंडिया, जापान, ब्राजील। विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया पेसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट? ओके वेरी गुड, इंडिया इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, नोकिया लॉन्चेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 6G लैब इन विच सिटी इन इंडिया। नोकिया ने भारत के किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब को लॉन्च किया? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, जो पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेस्ट बुक। तो यहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास का लिंक मिल जाएगा, कोई भी अपडेट होती है तो वो सारी चीजें आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे फिर कल सुबह 7 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।